घर पे खुद से चॉकलेट बना के खाने का मजा ही कुछ और है, है ना? और आप ये सुपर टेस्टी चॉकलेट सिर्फ 5 मिनट में बना सकते हो। और इस रक्षाबंधन आप ये चॉकलेट अपने भाई बहनों के लिए जरूर बनाना, उनको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। और अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगे तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले हम एक सॉस पैन में या किसी बड़े बर्तन में 2 कप पानी ले लेंगे और इसमें एक बॉल आने देंगे। अब उसके ऊपर एक उससे छोटा बोल या कोई सा भी बर्तन रख देंगे। ये हमारा हो गया डबल बॉयलर मेथड। और अब फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे। फिर इसमें 1/2 कप बटर ऐड करेंगे और बटर को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। और पता है आपको, मेरा ना फेवरेट फेस्टिवल रक्षाबंधन है। पूछो क्यों? क्योंकि इसमें बहनों को बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं। वैसे आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है ये आप मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना। अब इसमें 1/2 कप पिसी हुई चीनी, 1/2 कप कोको पाउडर, 1/4 कप मिल्क पाउडर और 1/2 चम्मच वनीला एसेंस ऐड करेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप वर्जिन कोकोनट ऑयल, घी या फिर कोको बटर भी यूज कर सकते हो। बट हाँ, पैराशूट कोकोनट ऑयल मत यूज कीजिएगा, क्योंकि वो बालों में लगाने के लिए होता है, खाने के लिए नहीं। और ये देखिए, मिक्सचर को मैं बहुत ही अच्छे से मिक्स कर ली हूँ और 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पका ली हूँ। बट अभी भी मिक्सचर की कंसिस्टेंसी सिल्की स्मूथ हुई नहीं है। तो अब हम इसे एक मिक्सर जार में ट्रांसफर कर लेंगे और इसको अच्छे से 2 से 3 मिनट तक पीस लेंगे, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी एकदम सिल्की स्मूथ हो जाए। और भी बहुत सारे चॉकलेट्स की रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर की हूँ, जैसे कि 5-स्टार, किटकैट, डार्क चॉकलेट, व्हाइट चॉकलेट, डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ डेयरी मिल्क। और ये सारे चॉकलेट्स ना आप बहुत ही आसानी से सिर्फ 5-10 मिनट में ही घर पे बना सकते हो। और इन सबका लिंक मैं आपको कॉमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप जरूर से चेक करो। और आपकी फेवरेट जो भी चॉकलेट है ना, अब आप उसे घर पे ही बना के मजे से खाओ। अब बस मिक्सचर को चॉकलेट मोल्ड में ट्रांसफर करके 2-3 बार टैप करेंगे और इसे फ्रिज में 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। अब बस आप ये सुपर टेस्टी चॉकलेट एंजॉय करो और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ भी जरूर से शेयर करो। और कमेंट्स में बताओ आपको कैसा लगा।